नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोहित क्रिएटर पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा से अपने फ़ोटो खींचते हैं तो कई बार वो ब्लैक आ जाता है। तो दोस्तों, ये हो सकता है कि ये आपके कैमरे का फॉल्ट हो या फिर ये कुदरत की देन हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि अगर आपकी फ़ोटो का बेरंग ब्लैक आता है तो आप उसे पिक्सआर्ट की मदद से बड़ी ही आसानी से वाइट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपनी फोटो का रंग गोरा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम पिक्सआर्ट है और जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से अपनी वो फ़ोटो सिलेक्ट करनी है जिसका रंग आपको गोरा करना है। जैसे मुझे ये फ़ोटो का रंग गोरा करना है तो मुझे इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको ब्राइटनेस पर क्लिक करना है, उसे 100% कर देना है। ब्राइटनेस 100% करने के बाद आपको क्लियरिटी पर क्लिक करना है और उसे यहाँ से आपको 35% पर कर देना है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ओवर एक्सपोज्ड हो गया है। अब हमें रबड़ के आइकॉन पर क्लिक करना है और इस आइकॉन पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करना है और हमें यहाँ से ब्रश का साइज 60% कर देना है। फिर हमें यहाँ से हार्डनेस को इंक्रीज करके 90% पर कर देना है और यहाँ से दोबारा से पेंसिल पर क्लिक करना है और हमें फ़ोटो को जूम करके इस पर अपनी उंगली से ऐसे करना है। आपको पूरी फ़ोटो पर ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको ऐसे करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो का रंग गोरा हो चुका है। इसे मैंने जल्दी जल्दी में किया है इसलिए ये ऐसा हो गया है, लेकिन आप इसे बड़ी ही ध्यान से करना है। फिर आपको यहाँ पर दोबारा से रबड़ के आइकॉन पर क्लिक करना है और जो इसके यहाँ पर जो फेस पर इसके जो बाल है इस पर आपको दोबारा से एक अपनी उंगली को फेर देना ताकि ये जो इसका नेचुरल कलर आ जाए। फिर आपको दोबारा ब्रश के आइकॉन पर क्लिक करना है और उसके साइज़ को कम करना है। साइज कम करने के बाद आपको दोबारा ब्रश के आइकॉन पर क्लिक करना है और जूम करके इसकी मूंछों पर आपको फेर देना ताकि सही इनका कलर नेचुरल हो जाए। और अब आपको डन पर क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आप हमारी फोटो का रंग है जो वो बिल्कुल वाइट हो गया है। तो अब आपको इसी को अपनी गैलरी में सेव करना है। आपको इस ऊपर डन पर क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पर ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करना है एरो के निशान पर और यहाँ से आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारी फ़ोटो है जो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपनी फ़ोटो में अपना रंग जो है वो गोरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल रोहित क्रिएटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।